अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, इसे मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग बॉयज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ MM आलम रोड पे, जहाँ पे एक छोटा सा गेट टुगेदर है बॉयज़ का, और लेट नाइट निकले हैं हम इन्जॉयज करने, और बॉयज़ ये देख रहे पीछे गजब बेइज्जती है। बेसिकली वो पिक्चर्स ले रहे हैं, इसीलिए जगह खाली की थी, मैंने मौका देख के चौका मार। चलो चलो चलो, गेट टुगेदर जो चलता रहेगा। मैंने कहा क्यों ना आपको फटाफट गाड़ियां दिखा दी हैं, खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये अल्टस है, जो कि थोड़ी सी ड्रॉप भी है और खूबसूरत है, माशाल्लाह मजेदार गाड़ी है। फिर हमारे पास एक ब्लैक कलर की ईजी है, जो कि इतनी ज्यादा ड्रॉप तो नहीं है लेकिन अच्छी लग रही है। उसके बाद ग्रीन कलर की, ये कलर चेक करो यार, क्या कलर सिलेक्शन है। दिस कार इज ऑल्सो नोन एज मदनी तियारा। रिम्स चेक करो उसके, रिम्स बड़े प्यारे हैं। आगे बढ़ते चले तो एक और ब्लैक कलर की ईजी है, ड्रॉप्ड है, रिम टायर लगा हुआ है, खूबसूरत है, रैप्ड है ब्लैक कलर। उसके बाद हमारे पास एज यू गाइज नो जमाना जाली अकॉर्ड, बहुत ही खूबसूरत K24 सेटअप के साथ। हाय 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 यार, इससे मेरा दिल नहीं भरता। मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था और ये गाड़ी बगाई भी थी, और क्या कमाल किस्म की गाड़ी है और बहुत अच्छी भागती है। उसके बाद हमारे पास ये सिटी है, रिम टायर लगे हुए हैं और ये 1500cc स्वैप्ड है इंजन। के बाद हमारे पास आ जाती है लालो, आपकी और हमारी फेवरेट, और उसके बाद रीबर्थ है ये हसन की, और ये शोज से पहले ये नीचे हो जाती होती है, वैसे ये स्टॉक हाइट पे चलती है। उसके बाद हमारे पास रिबॉन है, रिम चेक करो यार गोल्डन, क्या ही खूबसूरत और शाइनी रिम है, और ये मेरा ख्याल है अभी प्रोजेक्ट इन प्रोसेस है। उसके बाद हमारे पास ये क्रोला है ग्रे कलर की, ये हमारे साथ ट्यूटर डे पे साथ गई थी, अगर आपको याद हो, डेड ड्रॉप थी ये गाड़ी, इतनी खूबसूरत लग रही थी और उतनी जहरीली अभी लग रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नबील भाई की रिबॉन है स्टॉक रिम टायर के साथ, और ये रैप हुई हुई है थोड़ी बहुत। सारी गाड़ियाँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, लाइनअप चेक करो। और एक और गाड़ी की एंट्री हो गई है, ये भी मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ। अच्छा, ये फ्रेश एंट्री आई है अभी यार, ईगल है माशाल्लाह, चेक करो कितनी खूबसूरत है। रिम्स चेक करो, बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारे तरीके से गाड़ी ड्रॉप है। पीछे देखो कैम्बर कितना खूबसूरत लग रहा है गाड़ी के ऊपर। ओके जी, मीट ऑफ यहाँ पे पहुंचता है इस काम को। टाटा बाय बाय, 2 बजे मिलते हैं आपसे सुबह। सैर कर ली, वापिस चले घर। हेलो भाईजान, छोटे भाई, छोटे भाई, होश में आए, होश में, होश करें। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अरे जनाब, ये साहब ठहरने आए हो घर, और आपका भाई घर से निकल रहा हो, और ये साहब जिद ना करेंगे मुझे भी लेके जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इनको 10 से 15 मिनट झूले देना लाजमी है, इनको झूला दे लें फिर आपसे बात करते हैं। 15 मिनट्स लेटर। बेटा घर आ गया, चलो शाबाश, उतरो, काम पे जाने दो, आगे लेट हो गया बहुत। चलो बाय बाय बोल दो, बोलो सब्सक्राइब करें, बोलो बोलो उधर बोलो यार, होश में आओ, होश में आ, बोलो सब्सक्राइब करें, पहली फुर्सत में निकल। जी तो भैया, वेलकम बैक। आई होप आप लोगों ने सैटरडे नाइट मीट एंजॉय किया, मैंने तो बड़ा एंजॉय किया था, आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया हो। और अभी का सीन ये है कि मैं लिली में बैठा हूँ और लिली को लेके जा रहा हूँ मैं मोबाइल चेंज के लिए। अभी भी 500 किलोमीटर रहते हैं, लेकिन क्योंकि यूज्ड गाड़ी ली है और जब से मैंने गाड़ी ली है मोबाइल चेंज ही नहीं करवाया ना चेक करवाया, तो करवा लेना चाहिए इससे पहले कि कोई बड़ा मसला हो। हालांकि जो इसके प्रीवियस ओनर है उन्होंने कहा था कि अभी भी आप इसको ड्राइव कर सकते हो। उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग जो मेरे पास मौजूद है नेक्स्ट ऑयल चेंज की,
नेक्स्ट ऑयल चेंज इज ड्यू अराउंड भी आगे 500 टू 600 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार पहले करवा लेते हैं, पहले करवाना इज गुड, इट इज हेल्दी फॉर द इंजन और मोबाइल आइडल टाइम पे चेंज होता रहे तो इंजन भी अच्छा रहता है। अभी मुझे पता नहीं है मैंने कौन सा मोबाइल आइडल लाना है, ये तो मेरा ख्याल है होंडा का ही यूज करते रहे इस गाड़ी के अंदर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि होंडा से हट के तो किसी और कंपनी की तरफ रजू किया जाए। लेट्स सी कि मैं कौन सा मोबाइल आइडल लवाता हूँ और कौन से ग्रेड का मोबाइल यूज करता हूँ। जल्दी बैठो भाई यार, आपको किसी के घराने की तमीज नहीं? नहीं यार सलाम करते हैं, तमीज नहीं है तुम्हें? सलाम अलैकुम, सब्सक्राइबर्स को भी सलाम करो। ओके बॉयज, अभी हम मोबाइल डलवाने जा रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता कि यार हमने किस ग्रेड का मोबाइल यूज करना है और कौन सी कंपनी का यूज करना। मैं सोच रहा हूँ कि किक्स डलवाऊं, तू कौन सा डलवाता है कोको में? होंडा। अभी समझ नहीं आ रही हम कौन सा इसके अंदर इस्तेमाल करें, जाके शॉप वाले से भी डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको पता है मोबाइल डलवाने से पहले दो लाइफ लाइन इस्तेमाल करता हूँ मैं, एक फोन अ फ्रेंड और एक एक्सपर्ट राय, दोनों ऑप्शन का हम इस्तेमाल करेंगे बिफोर चेंजिंग द मोबाइल। ये बात सुनना, ऑयल ना अच्छे से फ्लश करना है। गाड़ी सर्विस भी मांगती है वैसे। ये ठीक है, जानिए लगा है, चेंज करना पड़ेगा। चल जाएगा। अच्छा बॉयज, ये हमारा आ गया 1040 ZIG एक आ जाता है इसको, और ये हम डलवाए लगे हैं इसके अंदर। हमें एक्सपर्ट ने भी सजेस्ट किया है और कॉल अ फ्रेंड ने भी हमें सजेस्ट किया है। ट्रांसमिशन ऑयल भी एक बार चेक करना है। ये बिल बने, अगर होंडा का जनरल डलवाते तो बिल कम बनता, लेकिन ZIG ए आई थिंक सो के बेटर है होंडा के जनरल ऑयल से। और ये टिश्यू का डब्बा नहीं दे रहे थे आपका भाई, क्रिच करके लाया अंदर से। इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इसको हम पीछे फेंकेंगे। नो स्पॉन्सर। मोबाइल चेंज हो गया और अभी तक तो रिस्पॉन्स अच्छा है, वैसे इतनी जल्दी पता तो नहीं चलता मोबाइल की रिस्पॉन्स, लेकिन होपफुली अच्छा ही चलेगा। जो पहले रीबर थी उसके अंदर भी मैं ZIG ए ही डलवाता रहा हूँ और अच्छी चली थी, एवरेज भी बड़ी अच्छी देती थी और मजेदार स्मूथ राइड थी उसके साथ, और होपफुली इसके साथ भी अच्छी चलेगी। भाई बताए कोको है किधर? कोको घर आ गई, आ रही है रस्ते में। नहीं, कोको के साथ हो क्या रहा है भाई? यार उसका काफी सारा काम पेंडिंग है, तो बस इस वजह से वो जरा आजकल नखरे कर रही है। ओके, मतलब कि होंडा के नखरे शुरू हो गए हैं, आपको पता ही है फिर होंडा इज नथिंग लेस देन अ दुल्हन, नखरे बहुत हैं इनके और संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसी भी बात नहीं है, गाड़ी चलती है, बेहतरीन चलती है, ये नहीं कि रास्ते में चल जाते बंद हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, बस वो जरा उसकी सस्पेंशन वगैरह का काम होना है। अभी इंशाल्लाह जल्द हम कोको का काम भी करवाने जाएंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉइल ओवर्स डलवाने हैं, होंडा डे आ रहा है, होंडा डे अभी कंफर्म तो नहीं है लेकिन कॉइल ओवर डलवाने हैं कोको में। मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूं, कॉइल ओवर डलवाओ और गाड़ी लो करो और गाड़ी थोड़ी सी चील भी दो नीचे से। ये क्या बात करता है यार, खेलने वाला कोई काम नहीं हो रहा। गाड़ी को देखें, गाड़ी को चलाएं, उससे प्यार करें, मोहब्बत करें, गाड़ी के साथ बुरा नहीं करना, आपने गाड़ी के साथ प्यार करना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं गाड़ी को नीचे से छेड़ूं। नहीं नहीं, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, मुझे भी कोको से उतना ही प्यार है जितना इसको है, तो होपफुली बड़े मजे के व्लॉग्स आने वाले हैं होंडा कोको को लेके। आप लोग काफी सारे भाई पूछ रहे थे कि यार कोको है किधर, इसीलिए मैंने कहा अपडेट भी आपको दे दूं कि कोको यहीं पे है और इंशाल्लाह सून उसके जल्द हम काम करवाने वाले हैं और लिली के भी छोटे मोटे करवाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, लिली इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कोको इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग। अभी इंशाल्लाह जल्द कोको की मॉडिफिकेशन आएंगी और कॉइल ओवर जलवाएंगे, देखेंगे सारा कुछ आपको बताएंगे और बहुत मजा आने वाला है। और कोको की कुछ बातें हैं जो हम आपको फिर किसी दिन ब्लॉग में बताएंगे, आज नहीं, मसले चल रहे हैं कोको के वो आपको बाद बताएंगे। होपफुली आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे आप भाई को फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में भाई को याद रखिएगा। अल्लाह चैनल को लाइक सब्सक्राइब। चलो जाओ, आप किसका इंतजार है, किधर ही बैठ रहे हैं? बंद करो इसको फिर बताता हूं। यार कोको की अभी डिस्कशन बड़ी लंबी चली है और होपफुली बड़ा मजा आने वाले, सब्सक्राइब कर दो फटाफट ताकि आपको आने वाले ब्लॉग्स मिल जाए। बाय बाय। नहीं, वो कैसे बचपन में कैसे लेके आते थे।